नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबको आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसा बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में, जिस एप्लीकेशन से आप ड्रीम इलेवन से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी ले सकते हो। जैसे कि प्लेइंग इलेवन क्या है, बैटिंग ऑर्डर क्या है, पिच रिपोर्ट क्या है, प्लेयर स्टार्ट्स क्या है, और भी बहुत सारे जानकारी यहाँ पे आपको मिलेंगे, जिसको पा करके आप ड्रीम इलेवन पे एक बेहतरीन टीम क्रिएट कर सकते हो। अगर आप नए हो तो ये एप्लीकेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूँगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा, ठीक है। इसके साथ अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर गाइज आपको हर रोज इसी तरह के कंटेंट मिलते रहते हहैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं की हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह पे आपको मिल जाएंगे। रीज़न क्या है कि डेली मैं एक फ्री टीम प्रोवाइड करता हूँ, जिस टीम से अगर आप ड्रीम इलेवन पे खेलोगे तो जो भी लॉस किए हो सारे के सारे लॉस को कवर कर सकते हो, इसके साथ आप प्रॉफिट में भी आ सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना सबसे ज़रूरी काम है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, प्ले स्टोर पे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। ओपन करने के बाद देखिए, आप सर्च बार में टाइप करेंगे प्लेइंग इलेवन, ठीक है, आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गाइज आपको सारे के सारे मैच शो हो जाएंगे, जैसे कि जो मैच स्टार्ट होने वाली है, जो स्टार्ट हो चुकी है और जो लाइव चल रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, एक मैच यहाँ पे RPR वर्सेस GWG के बीच में होने वाला है। अब यहाँ पे इस मैच के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, या फिर दूसरे कोई मैच को देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके उसके सारे डिटेल्स निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का बीच जो मुकाबला होने वाला है, 3 घंटा 44 मिनट बाद में ये मुकाबला है, इसका हमें डिटेल्स लेना है, इसके प्लेइंग इलेवन को जानना है, इसके बैटिंग ऑर्डर को जानना है, क्या इस मैच में पिच रिपोर्ट होने वाली है ये पता करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन जो है ये फ्री है, इसके लिए यहाँ पे आपको ऐड शो होंगे जिसको आप देख सकते हैं या फिर ऐड को कट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब मैच पे क्लिक करोगे ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको न्यूज, हेड, मेगा तीन ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे गाइज आप न्यूज पे क्लिक करोगे, इस मैच के बारे में जो न्यूज होंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। हेड टू हेड की टीम अगर आप देखना चाहते हो, हेड टू हेड पे क्लिक करना। मेगा ग्रैंडली का टीम आपको चाहिए, मेगा पे क्लिक करना, ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि हमें पहले न्यूज निकालना है, यहाँ पे न्यूज पे क्लिक करेंगे, ये एड्स आ गया, यहाँ पे हम इसको अभी कट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेइंग इलेवन, दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग इलेवन कुछ इस तरह से है, डेविड वार्नर, एरोन फिंच, स्टीवन स्मिथ, मार्क स्टोनिस और मिचेल मार्च, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू वेड, मिचेल स्टार्क और यहाँ से एडम जंपर, जोस हेजलवुड, पैट कमिंस, ठीक है। ये गाइज ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग इलेवन है। इसी तरह से आपको नीचे यहाँ पे इंग्लैंड का प्लेइंग इलेवन है, ये भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। टीम का कैप्टन कौन है और विकेट कीपर कौन है, ये भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ आपको न्यूज यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि कौन प्लेयर कितने रन किए हैं, कितने बॉल पे कितने रन मारे हैं, कितने बॉल पे कौन किसको आउट किया है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। रिसेंट परफॉर्मेंस है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ पे पिच रिपोर्ट शो होगा, ठीक है। गाइज पिच रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए जब आप पिच रिपोर्ट निकालना सीख जाओगे, सही पिच रिपोर्ट आपको पता चल जाएगा, तो आप किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पर अपनी एक बेहतरीन टीम क्रिएट कर सकते हो, जहाँ आप अर्निंग कर सकते हो, काफी पैसे विन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पिच रिपोर्ट में आपको यह पता चलेगा कि यहां पे बॉलर्स कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, कौन बॉलर चलने वाले हैं, फास्ट चलेंगे या फिर स्पिन चलेंगे या फिर बल्लेबाजों को यहां पे हेल्प है, तो इसके अनुसार आप अपनी फैंटेसी टीम को बेहतरीन बना सकते हो और आपका टीम अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए इस पिच पे गाइज, यहाँ पे देखिए पेसर बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बैट्समैन को भी हेल्प है, तो इस तरह से आप इसको पूरे आप रीड करोगे, आपको पता चल जाएगा कि पिच पे क्या होने वाला है। इसके अलावा टॉप पिक के बारे में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फैंटेसी टीम में आप अपनी
किन किन प्लेयर को यहाँ पे पिक कर सकते हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कौन प्लेयर कैसा है इसके बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैच के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको हम अभी बैक करते हैं। यहाँ पे गाइज हेड टू हेड टीम आप देखना चाहते हो इस पर क्लिक करना और यहाँ पे इस ऐड को कट कर देना। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए हेड टू हेड टीम जो है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। दो टीम आपको हेड टू हेड को मिल गया, इस पर आप क्लिक करना, फिर से ऐड आएगा, इसको आप यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद में देखिए इसको देख करके आप अपनी फैंटेसी टीम को बेहतरीन टीम क्रिएट कर सकते हो। इसको कॉपी नहीं करना है, आप इसमें एक आध प्लेयर को चेंज करके अपनी टीम को बना सकते हो। अभी हम इसको बैक करते हैं। गाइज यहाँ पे हम मेगा ग्रैंड लीग के बारे में आपको बता दें, मेगा पे क्लिक करना। मेगा ग्रैंड लीग की जो भी टीम है आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि दो टीम आपको यहाँ पे मेगा का भी मिल जा रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इस साइड को फिर से कट करेंगे। अभी देखो यहाँ पे जोश बटलर को विकेट कीपर सेक्शन में, डेविड वार्नर को कैप्टन बनाया गया है, डेविड मलान को वीसी बनाया गया है। कौन कौन से प्लेयर को यहाँ पे रखा गया है इसके अनुसार आप अपनी टीम को क्रिएट कर सकते हो। दोबारा यहाँ पे देखिए दूसरा टीम भी है, इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको देख करके आप अपनी फैंटेसी टीम एक बेहतरीन क्रिएट कर सकते हो। इसमें एक दो प्लेयर को चेंज करके अपनी टीम को क्रिएट करोगे, आपका टीम अच्छा परफॉर्म करेगा। तो गाइज ये एप्लीकेशन काफ़ी कमाल का है, अगर आप नए हैं तो इसको एक बार ज़रूर से यूज कीजिए। यूज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या कैसे जानकारी मिलता है, ठीक है। आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर करना। मन में कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हो।